ये आशीष नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे घर दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, घर के रूप में उसने आशीष दी, एक गाड़ी दी है, फोर व्हीलर के रूप में मुझे आशीष दी, टू व्हीलर के रूप में आशीष दिया है, परमेश्वर ने मुझे बहुत धन दिया है, बहुत सोना चांदी दिया है, बहुत बैंक बैलेंस दिया है मेरे पास, ये बहुत आशीष है। ये चीज़ें आशीषें नहीं होती हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। प्रकाशित वाक्य के इस पुस्तक की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पहले भाग की। और पहला भाग जो है जिस पे हमने कहा कि प्रस्तावना वाला भाग है वो, और प्रकाशित वाक्य के एक अध्याय के एक पद से लेकर तीन पद तक हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दो पद जो थे हमारे प्रकाशित वाक्य एक अध्याय के एक और दो पद, जिसपे हम लोगों ने चर्चा करी थी कि किस तरीके से डैनियल के द्वारा परमेश्वर ने उस पुस्तक को लिखवाया जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक थी, वो मोहरबंद पुस्तक कहलाई जाती थी, रहस्यों की जो पुस्तक थी वो रहस्य उसने डैनियल के ऊपर भी नहीं खोले थे, और किस तरीके से परमेश्वर ने उन रहस्यों को यूहन्ना के ऊपर खोला और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को लिखा। प्रकाशित वाक्य का मतलब रहस्यों का प्रकट होना या रहस्यों का खुलना जो है वो उसका अर्थ जो है ये कहलाया जाता है। परंतु हमने पिछले भाग में सिर्फ दो ही पद देखे थे, परंतु आज इस प्रस्तावना के भाग में हम इसके तीसरे पद की ओर ध्यान करेंगे। जी हाँ, तीसरे पद की ओर। पहले हम तीसरा पद पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि तीसरे पद का रहस्य क्या है। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। देखिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ब्लेस्ड शब्द आया है, उसको इस्तेमाल किया गया है, यानी वो आशीष का कारण होगा, वो सौभाग्य होगा जो इस पुस्तक में लिखी बातों को पढ़ता है, उस वो आशीष है। वो आशीष किसको मिलेगी? जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ता है, नंबर एक बात, जो सुनते हैं, दो बात, और तीसरी बात कि जो इसमें लिखी बातों को मानते हैं। देखिए, पढ़ना एक अलग बात है, सुनना एक अलग बात है, परंतु उसको मानना भी है। और यहां पर एक बात लिखी हुई है इसके साथ, क्योंकि समय निकट है, है? समय निकट है किस चीज का? देखिए, मैंने पहले कहा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कब लिखी गई, कि जब अंत समय का आरंभ निकट हुआ। मैंने पिछले संदेश में बताया कि डैनियल से क्या कहा परमेश्वर ने, कि यह अंत समय के लिए है, कि जब अंत समय स्टार्ट होगा या जब अंत समय होगा इस दुनिया का, तब ये इसके रहस्य खोले जाएंगे। और जब अंत समय का आरंभ हुआ तब परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा इसका रहस्य जो है वो खोला गया। परंतु यहां पर जो है तीसरे पद में लिखा है कि आशीष। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर सात आशीष हैं जो परमेश्वर अपने लोगों पर उतारना चाहता है, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अंदर ही। ये नहीं है कि सिर्फ ये तीसरे पद में आशीष है। मैं आज इसी पद के माध्यम से सात आशीष के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। पहली आशीष आपने देखी कि परमेश्वर क्या कह रहा है, कि पहली जो आशीष है कि जो इस पुस्तक को पढ़ता है और सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, और जो ये जानते हैं कि समय निकट है। देखिए, सब कहते हैं, जानते सब हैं कि समय निकट है, तो आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना चाहिए, आपको सुनना चाहिए और आपको उसमें लिखी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि समय निकट है। आरंभ हो चुका था 95 AD में जब परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा इस पुस्तक को लिखवाया, और हम अभी भी वैसे ही हैं। हम अभी भी अनुग्रहकारी और दयालु और प्रेम और उसी इन्हीं संदेशों में अटके हुए हैं, जबकि अब हमें इन संदेशों में अटकना नहीं है, बल्कि अब हमें जो है परमेश्वर का जलन, परमेश्वर का क्रोध जो है वो प्रकट होने जा रहा है इस दुनिया के ऊपर। जब जैसे जैसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, हमें वैसी वैसी पता चलेगा कि परमेश्वर का क्रोध किस सीमा तक पहुंच चुका है, परमेश्वर की जलन जो है किस सीमा को पार कर चुकी है। ये सारी चीजें हैं। तो आशीष किसको मिलेगी? देखिए, आशीष उसको मिलती है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, और वो ये जानता है कि अब समय निकट है, अब मुझे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार जीना चाहिए, उनकी आशीषों को लेना चाहिए। अब यह आशीष नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे घर दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, घर के रूप में उसने आशीष दी, एक गाड़ी दी है, फोर व्हीलर के रूप में मुझे आशीष दी, टू व्हीलर के रूप में आशीष दिया है, परमेश्वर ने मुझे बहुत धन दिया है, बहुत सोना चांदी दिया है, बहुत बैंक बैलेंस दिया है मेरे पास, ये बहुत आशीष है। ये चीजें आशीषें नहीं होती हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, पहली आशीष आपने देख ली कि जो पढ़ता है उसको वो आशीष का कारण होता है। दूसरा आशीष का कारण कौन होता है? प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका जब 13वां पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है,
फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, देखिए यहां क्या लिखा है कि अब से है? अब से धन्य है। अब से मतलब धन का मतलब क्या है कि प्रकाशित वाक्य की जो आशीष है उसको, जो प्रभु में मरते हैं उनको कब से मिलेगी, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को सुनना शुरू कर दिया, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को मानना शुरू कर दिया है, और वो अब से जो है वो धन्य है। यानी जो प्रभु में मर रहे हैं उनको आशीष जो है वो मिलेगी, और जब प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएगा है? तब वो जो प्रभु में मरे हैं वो सबसे पहले उठाए जाएंगे। जी यहां पर लिखा ना, परमेश्वर का वचन कहता है जो मृतक प्रभु में मरते हैं, और वो पहला थसनकियों 4 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि जो प्रभु में पहले मरते हैं, मरे हैं, वो पहले जी उठेंगे। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। तीसरी आशीष के बारे में बात करेंगे, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसके 15वें पद में ध्यान दीजिएगा। देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वे है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। देखिए चोर के समान का मतलब क्या होता है, ये चोर के समान का मतलब क्या है कि एक बात ये ध्यान रख लीजिए कि यीशु मसीह का आना जो है, सेकंड कमिंग जो है, दूसरा आगमन जो है निश्चित है, वो टल नहीं सकता है किसी भी कीमत पे। मगर उसकी सेकंड कमिंग यानी दूसरे आगमन का समय निर्धारित नहीं किया गया है। कि जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अगले साल आ रहा है, पिछले साल आ रहा है, या तब आएगा, या इस दिन आएगा, या इस घड़ी, कोई समय निर्धारित नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि उस समय उस घड़ी को कोई नहीं जानता कि किस दिन, सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर जानता है कि वो कब अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजेगा, सेकंड कमिंग उसकी कब होगी। परंतु वो ब्लेस जो आशीष है वो किसको मिलती है, सबसे पहली बात उसको मिलेगी जो जागता रहता है। जागता रहने का मतलब क्या होता है, सावधान रहना, अलर्ट रहना, क्या कहते हैं यहां परमेश्वर का वचन, केयरफुल रहना, बिल्कुल सावधान रहिए कि शैतान जो है कहीं हमें बहका तो नहीं रहा है, शैतान हमें कहीं दूर तो नहीं ले जा रहा है। आज बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हैं। देखिए परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 अध्याय के 24 पद में कहता है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, और उसके 3 पद में कहता है कि सावधान रहो, हमें सावधान रहना चाहिए। 4 पद को पढ़े, वहां लिखा सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें कहता है कि सावधान रहो, यानी अलर्ट रहो, हमें क्या कहते हैं अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है, कहीं हमारा जीवन बुराई की तरफ तो नहीं जा रहा, कहीं हमारा जीवन गलत शिक्षाओं की तरफ तो नहीं जा रहा है। और परमेश्वर का वचन भी इस बात को कहता है, जब आप यूहन्ना की 2 पत्री और उसका 9, 10 और 11 पद आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और इसी वचन की ये शिक्षा ना दे तो लिखा है उसे ना तो घर में आने दो और ना ही नमस्कार करो। पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। मगर जो इस बात को मानते हैं वो अपने जीवन को सावधान करके यानी जागते रहते हैं, हमेशा जागरूक रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं, कहीं शैतान की कोई बात हमारे जीवन में या हमारे पास आकर हमें परमेश्वर के राज से या परमेश्वर की बातों से दूर तो नहीं ले जा रही है, इसलिए सावधान रहिए। और लिखा है वस्त्र की चौकसी करो। वस्त्र की चौकसी करने का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर की, हमें अपने शरीर की, यहां पर वस्त्र का मतलब ये वाले वस्त्र नहीं है, बल्कि अपने शरीर की चौकसी करना, अपने शरीर की देखभाल करना है कि वो पवित्र है या नहीं है। क्योंकि आप पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 16वां पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि लिखा है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। जी हाँ, जैसा परमेश्वर पवित्र है, जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, हमें उसी तरीके से पवित्र बनना है। फिलिपियों में लिखता है ना, फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए, तब हम जो है पवित्र बनेंगे। और पौलुस तो एक बहुत बड़ी बात लिखता है, रोमियों 12 का और उसका 1 पद पढ़ेंगे, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी हाँ, हमें अपने शरीर को, हमारा वस्त्र, हमारे शरीर का वस्त्र क्या है, ये वस्त्र है, इस वस्त्र को धोना है,
इसको यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन से धोकर शुद्ध और पवित्र करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम और सामर्थ्य में धोकर शुद्ध और पवित्र करना है, और परमेश्वर को भाता हुआ करके चढ़ाना है। हमारा हमें क्या, हम मरे हुए ना कहलाएं। वो क्या कहता है कि तू मरा हुआ कहला, तू जीवित तो है परंतु है मरा हुआ। इसको आगे देखेंगे जब लिखा हुआ है कि तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। जब हम सेवन चर्चेस के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर ये बात आई है। तो हम जीवित क्योंकि हम मसीह हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि मसीह का जो वचन है वो हमारे अंदर नहीं है। तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। फिर क्या कहता है वस्त्र के बारे में, जब प्रकाशित वाक्य 3:18 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तू अपने नंगेपन की लज्जा तुझे लज्जा ना हो। श्वेत वस्त्र का मतलब क्या होता है, पवित्रता। जी हाँ, और जब गलतियों 3 अध्याय उसका 27 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जितनों ने बत्तीसवां लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। जी हाँ, जितनों ने मसीह में बत्तीसवां लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। तो हम जब जो यीशु मसीह को पहने हुए हैं, फिर हमारा वो जो यीशु मसीह को यानी पवित्रता को पहने हैं, यीशु मसीह को पहने हैं, उसके वचन को पहने हुए हैं, तो वो हमारे जीवन से, हमारी बोलचाल से, हमारी भाषा से कलंकित नहीं होना चाहिए, तभी ब्लेसिंग्स मिलेगी। देखिए, ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी बस हमने पढ़ लिया कि हाँ हम तो जागरूक हैं, ये है वो है। हमें वो सिस्टम करना पड़ेगा उस ब्लेसिंग्स के लिए, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम उसमें लिखी बातों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर की आशीष जो है वो हमें नहीं मिल पाएगी। यहां पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सावधान रहें। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं तो हमें सावधान रहना है, हमें अपने वस्त्र की चौकसी करनी है और हमें अपने वस्त्र को धोकर रखना है और यीशु मसीह को पहन लेना है। चौथी आशीष के बारे में बात करेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, तब सरदूत ने मुझसे कहा ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। अब देखिए यहां क्या लिखा है, यानी धन्य वे हैं का मतलब यानी आशीष का कारण वो है, आशीष उनको मिलेगी जो मेमने के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विवाह के में बुलाए गए हैं, इनवाइट किए गए हैं। क्या आपको इन्विटेशन मिला है? अगर हम देखें तो इनविटेशन सारे संसार को प्रभु यीशु मसीह ने दिया, ये नहीं कि अपने कुछ लोगों को दिया। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16वां पद पढ़ेंगे, जब यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई, अब चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हो, एनीवे किसी भी कुल का, किसी भी जाति का, किसी भी देश का हो, किसी भी गांव का हो, कहीं का भी हो, किसी भी शहर का हो, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, अनंत जीवन की आशीष जो है वो प्रभु देता है कि धन्य है वे जो मेमने, वही बुलाए जाएंगे। इनविटेशन, आप अपने शादी में, आपके घर में जब शादी ब्याह होता है या आप अपने बच्चों की या किसी की शादी ब्याह करते हैं तो किसको बुलाते हैं? जो आपके अपने लोग होते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिनसे आपका बोलचाल होती है, जिनसे आपका तालमेल अच्छा होता है, आप उन्हीं को तो बुलाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी, इनविटेशन उन्हीं के पास है जो उसके लोग हैं, जो उसकी बात को सुनते हैं, जो उसकी बात को मानते हैं, जो उसके कहने के अनुसार चलते हैं, जो उसके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं और उसके कहने के अनुसार चलते हैं। इन्विटेशन सिर्फ उन्हीं के पास है। और मत्ती 22 अध्याय उसके 2-3 पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है स्वर्ग का राज जो है उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। और 3 पद में लिखा हुआ है कि उसने सबको इनविटेशन दिया, इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया है उसने सबको अपने पुत्र के विवाह में आने के लिए। मगर प्रकाशित वाक्य 19:7 में एक बात और लिखी हुई है, यहां लिखा आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यहां पर कई चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आनंदित और मगन कौन होगा? आनंदित और मगन वो होगा जिसके पास इनविटेशन होगा, है जो जाएगा। आप कहते तो सब है, इनविटेशन हमारे पास है, इनविटेशन हमें भी दिया प्रभु ने। ऐसी वो 10 कुंवारियां नहीं थी, मत्ती 25 अध्याय को पढ़ोगे 10 कुंवारियां थी। 10 कुंवारियों के पास देखिए, दसों ये कह रही थी, दावा कर रही थी इनविटेशन हमारे पास है, इनविटेशन हमारे पास है, हमें भी प्रभु ने। इनविटेशन तो प्रभु ने सबको दिया है परंतु एंट्री किसकी होगी उस भोज के अंदर,
उस विवाह के अंदर किसकी एंट्री होगी, ये समझने वाली बात है। वहां लिखा हुआ है कि जो तैयार दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया, अब किस चीज से, देखिए प्रकाशित वाक्य तीन अध्याय पहले पद के तीन पद को फिर से देखेंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके तीन पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है कि जो इसमें लिखी बातों को पढ़ता है, जो सुनता है और जो मानता है, वो क्या कहते हैं, धन्य है। और वो धन्य है क्योंकि उसने क्या है, मानने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है, जो मान रहा है, इसका मतलब मानने वाला व्यक्ति अपने आप को तैयार कर रहा है। आप सुन रहे हैं मगर आप मान नहीं रहे हैं, नहीं आप बाहर हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं परंतु आप मान नहीं रहे हैं तो आप बाहर हैं। अगर जो मान भी रहा है वो उसके पास सही माने में उसके पास इन्विटेशन है कि वो मान रहा है, मगर क्या लिखा है यहां पर एक बात और लिखी, उसकी स्तुति करें। उसकी स्तुति किस चीज से करें, वहां लिखा ना प्रकाशित वाक्य चार अध्याय जब आप उसका 23-24 पद पढ़ेंगे कि परमेश्वर आत्मा है और लोगों को चाहिए कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई करने वाले लोगों को ढूंढता है, जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी स्तुति करते हैं। देखिए अगर आप वैसे ही स्तुति कर रहे हैं, बिना तैयारी के स्तुति कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। इंतजार तो 10 कुआरियों को इंतजार था प्रभु यीशु मसीह का आने का, परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो तैयार थी वही उसके साथ गई और 5 वहीं रह गई। इंतजार उन्हें था, सब कुछ था, लालटेन भी थी, पर तेल नहीं था एक अलग बात है, परंतु इंतजार था। और जब आधी रात को धूम मची तो सब जाग गई, सब अपनी लालटेनें ठीक करने लगे, परंतु जो तैयार थी पूरी तरीके से वो परमेश्वर के राज्य में जो है वो गई है। यहाँ पर मती जब 25 और 10 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। द्वार बंद हो गया यानी जिनके पास आशीषें नहीं थी उनको इनविटेशन नहीं था उनके पास, और जिनके पास आशीष थी उनके पास इनविटेशन था और वो चली गई। यहां पर जो है परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। अब पांचवी आशीष के बारे में बात करेंगे, पांचवी आशीष यानी प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 6 पद में ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रकाशित वाक्य की 7 आशीष हैं और 7 आशीषों के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, और ये 7 आशीष हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि ये अंत समय की ब्लेसिंग्स हैं, ये अंत समय की आशीष हैं। अगर इस अंत समय की आशीष से हम परिपूर्ण हो गए तो समझ लीजिए कि परमेश्वर की आशीषों से हम परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर के राज के वारिश हो गए। इन 7 आशीषों को इसलिए कह रहे हैं, बहुत ध्यान से जरा ध्यान दीजिएगा। पांचवी आशीष के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, धन्य और पवित्र वो है जो पहले पूर्ण स्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु को का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके 7000 वर्ष तक राज करेंगे। देखिए यहां पर अब 2 चीजें आ गई हैं। पहला धन्य वे है, धन्य का मतलब यानी आशीष का वो कारण है, उनको आशीष मिलेगी, वो ब्लेस्ड होंगे, वो परमेश्वर उनको आशीष देगा जो किनको देगा, इसमें जो लिखी बातों को मान रहा है। और दूसरा क्या है कि वो पवित्र भी होने चाहिए। देखिए दोनों चीजें होनी चाहिए, आशीष का कारण भी हम हो और आशीष का कारण वही होगा जो पवित्र होगा। इसलिए हमें सिर्फ यही नहीं कहना है कि नहीं हमें तो परमेश्वर की आशीष मिली है, हम इस आशीष के कारण है, आपको पवित्र भी होना, जैसा मैंने पिछले पदों में बताया है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र और भाता हुआ करके परमेश्वर को चढ़ाएं, हम पवित्र बने जैसा परमेश्वर पवित्र है, हम हमारा स्वभाव वैसा होना चाहिए जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है। तो यहाँ पर जो बात लिखी गई है, और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जीवित होंगे, जैसा लिखा ना जो जीवित होंगे वो पहले जी उठेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। मैंने पहले थसलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16वां पद आपको बताया था, और लिखा है यहाँ पर लिखा है कि वो दूसरी मृत्यु का जो दूसरी मृत्यु है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी मृत्यु है क्या? जी हाँ, दूसरी मृत्यु को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जो दूसरी मृत्यु है वह है आग की झील। जी हाँ, देखिए पहली मृत्यु में हम जीवित होंगे, वो अलग बात है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए जीवित हो रहे हैं या अनंत दंड भोगने के लिए जीवित हो रहे हैं, जैसा जैसा डैनियल 12 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है कि जितने भूमि के नीचे सोए हुए हैं वे सब जीवित होंगे, कुछ तो अनंत दंड भोगने के लिए और कुछ अनंत राज करने के लिए होंगे। अब हम किसके लिए जीवित होंगे, सबसे पहले भागीदार क्या है, हमें पहले पूर्ण स्थान के भागीदार होना चाहिए।
जो ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर है, और दूसरी मृत्यु आग की झील है, यानी आग की झील का मतलब है जो आग की झील में डाल गया वो सदा के लिए परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो गया है, वो जिंदगी में कभी भी परमेश्वर को देख नहीं पाएगा, परमेश्वर को सुन नहीं पाएगा, परमेश्वर की बातें उस तक पहुंच नहीं पाएंगी, वो आनंद जो है, जो मगन है, वो नहीं कर पाएगा, वो कभी भी परमेश्वर की स्तुति और प्रेज एंड वर्शिप नहीं कर पाएगा, वो इन सब बातों से जो है वो दूर हो जाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और इसलिए वो क्या कहता है कि स्वर्ग में हम क्या करेंगे, वो सब कहते नहीं यहाँ स्वर्ग में हम करेंगे क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर के याजक होंगे, प्रभु यीशु मसीह के याजक होंगे, वहां पर हम याजक का काम करेंगे, मगर यहाँ पृथ्वी, इसलिए हम कहते हैं ना हमें, हम एक्टिंग याजक का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, एक्टिंग याजक के रूप में, तो हमें याजक का काम निपटाना चाहिए हर एक को, और जिसके पास ब्लेसिंग्स है वही याजक के कार्य को कर रहा होगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। यहाँ लिखा परमेश्वर का वचन कहता है, और 1000 साल तक राज करेंगे उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, उन पवित्र लोगों के साथ, परमेश्वर के राज में 1000 साल, मगर कौन करेगा, जिसके पास परमेश्वर की ब्लेसिंग्स होगी, और ब्लेसिंग्स किसके पास होगी, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो मानता है, और जो ये जानता है कि हाँ अब समय निकट है, अब हमें फालतू बातों में, संसार की बातों में, संसार की चीजों में लगने का नहीं है, परमेश्वर के पास जाने का, इसलिए परमेश्वर की बातों में लगे, परमेश्वर की बातों को माने और उसको सुने। छठवीं आशीष के बारे में बात करेंगे, प्रकाशित वाक्य 22:7 उसके 7 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य वे है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं शीघ्र, यानी शीघ्र का मतलब क्या होता है, जल्दी है, कमिंग सून, यानी बहुत जल्दी आने वाला है, मगर वो धन्य है, कौन धन्य है, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी की, भविष्यवाणियों को मानता है। आप कितना मानते हैं, अब बहुत से कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आती है, हमें इसका मतलब ही नहीं पता होता है, तो समझ में क्या आएगा, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आज हमें खासतौर से मुझे इसलिए चुना है ताकि इस भविष्यवाणी की पुस्तक को आप लोग अच्छे से समझ सकें और उस ब्लेसिंग्स के हकदार बने और परमेश्वर के राज के वारिश हों। यह आपके लिए बहुत आनंद की बात है कि परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि यहाँ हम फालतू बात करने के लिए नहीं है, और लिखा परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रकाशित वाक्य की भविष्य की इन बातों को मानता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि हमें किस तरीके से अपने आप को तैयारी करना, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार रहना है या करना, बल्कि तैयार करना नहीं है, तैयार रहना है, और ये सोचकर तैयार रहना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह बस अभी आ रहा है, या प्रभु यीशु मसीह कल आने वाला है, या बहुत ही मतलब जल्दी आने वाला है, हमें तैयार रहना है, तैयारी करना नहीं है, हमारी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए अब, और यीशु मसीह जो है वो कभी भी किसी समय भी आ सकता है, क्योंकि उसके आने का कोई समय निर्धारित नहीं करा है, सिवाय परमेश्वर जानता है और कोई नहीं जानता है, और इसलिए हमें उन आशीषों से परिपूर्ण होना। सातवीं आशीष प्रकाशित वाक्य 22:4 और उसके 14 में लिखा है, अब हम लास्ट आशीष के बारे में पढ़ रहे हैं, सातवीं आशीष जो प्रकाशित वाक्य के अंदर है 22:14, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वस्त्र वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। देखिए ब्लेस का कारण क्या है, आशीष का कारण क्या, अब इन पदों को बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है कि हाँ साहब हम जीवन के वृक्ष के पास जाएंगे, हम ऐसा करेंगे और परमेश्वर हमें आशीष देगा, धन्य वे हैं यानी ब्लेस्ड है, यानी परमेश्वर की आशीष का कारण है। सबसे पहली बात क्या लिखा है, जो अपने वस्त्र को धो लेता है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस वस्त्र को धोने की बात नहीं है, यानी अपने शरीर को जो धो लेता है। लिखा है प्रकाशित वाक्य 7 और उसके 14 में लिखा हुआ है, जब प्रकाशित वाक्य 7 उसका 14 के लास्ट की लाइनों को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, इन्होंने अपने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। देखिए मेमने के, यानी अब अगर ये वाले वस्त्र तो मेमने के लहू से नहीं धुलते हैं ना, तो क्या धुलता है, शरीर। जी हाँ, वो जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिए गए 7 में 7:14 में कि उन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया है,
श्वेत किए हुए, यानी उन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोकर पवित्र किया है। मैंने बताया ना, श्वेत का मतलब पवित्र होता है, अपने आप को पवित्र किया हुआ है। हमें भी अपने आप को यीशु मसीह के लहू से धोकर अपने आप को पवित्र कर लेना है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है वो आज से 2000 साल पहले हमारे लिए बहाया गया, ताकि हम उसमें अपने आप को धोकर शुद्ध और पवित्र करें। जी हाँ, वो झरना जो क्रूस पर, लहू का झरना जो क्रूस पर से बहाया गया मेरे और आपके लिए, क्या हमने अपने आप को धो लिया है? जी हाँ, जितनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, यानी आत्मा और सच्चाई के साथ। देखिए, जब तक आप कितने भी मसीह क्यों ना हो, मगर अगर आप सच्चाई से परिपूर्ण नहीं है, आपको सच्चाई नहीं मिली है, आप ब्लेसिंग्स के बारे में नहीं जानते हैं, आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, तो वो बपतिस्मा माना नहीं जाता है, वो बपतिस्मा नहीं हुआ। देखिए, आपका घर जब आप बनाएंगे तो जहां न्यू खोदेंगे वहीं तो आप डालेंगे। अब न्यू आपने खोदी यहां और घर की दीवार खड़ी कर रहे हैं कहीं और, तो कैसे आपका घर टिक जाएगा? इसका मतलब क्या है? हमारी न्यू क्या है? चट्टान पर होनी चाहिए, जो गिरनी नहीं चाहिए। चट्टान का मतलब क्या है? एक पक्की सच्चाई पर होनी चाहिए, बिल्कुल अटूट सच्चाई पर हमारा आत्मिक घर बना होना चाहिए, जो हमारा शरीर कहलाता है। लिखा है ना कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। तो ये उस नियम पर होना चाहिए, लिखा है परमेश्वर का वचन। और जीवन का वृक्ष का मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है कि जीवन के वृक्ष में एक खूबी है, लिखा हुआ है इसमें 12 प्रकार के फल जो है वो फलते हैं, और हर महीने फलवंत होता है। ये ध्यान दीजिएगा, हर महीने फलवंत होता है। हम भी यीशु मसीह के पेड़ हैं, लिखा ना योना 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके पहले 2, 3, 5 तक पढ़ते जाएंगे कि सच्ची दाखलता मैं हूं, और दाखलता मैं हूं, और तुम डालियां हो। डालियों में क्या डाली क्यों कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें डाली क्यों? क्योंकि डाली में फल होते हैं। क्या वो फल लगे हैं? और ये कौन से फल हैं? देखिए, 12 प्रकार के फल हैं और अलग अलग फल हैं। जब आप गलतियों 5 अध्याय 22 से 23 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा पवित्र आत्मा के 9 फल। जी हाँ, पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। और इफिसियों 5 अध्याय उसके 8 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। 3 फल ये और 9 वो, यानी 12 फल। वो 12 फल हमारे जीवन में होने चाहिए, तभी परमेश्वर की ये जो 7वीं आशीष है, ये आशीष हमें मिलेगी। और जिसके जीवन में 12 फल होंगे, वही उन 12 फलों के नजदीक, यानी जीवन के वृक्ष के पास जाएगा। और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवन है, उसके अंदर वो 12 फल हैं, वो उसके साथ मिलकर उस परमेश्वर के राज में याजक का काम करेंगे और 1000 वर्ष तक राज करेंगे और आनंद मनाएंगे और मगन होंगे और परमेश्वर की महिमा जो है आत्म सच्चाई से करेंगे। यहां लिखा है, यहां पर एक बात और लिखी है कि फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। देखिए, मैं हर बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, छोटी सी छोटी बात के लिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर छोटी सी छोटी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन से नगर में प्रवेश करेंगे? यरूशलम में, नए यरूशलम में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, आप जानते हैं यरूशलम के बारे में क्या लिखा है? मत्ती 5 अध्याय उसके 35 पद में लिखा हुआ है, यरूशलम की शपथ ना खाना क्योंकि वह महाराजा का नगर है। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि यरूशलम की शपथ ना खाना क्योंकि वो महाराजा का नगर है। जब यहां पर नगर की बात होती है तो वो यरूशलम से संबंधित है, और जब प्रकाशित वाक्य के अंदर जब नगर की बात होती है तो इसका मतलब है कि नए यरूशलम की बात है। जी हम नए यरूशलम में प्रवेश करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि फाटकों से होकर नए, और उस नए यरूशलम के बारे में भी बात करेंगे जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन जैसे ही करते जाएंगे, और जब उस जगह पर पहुंचेंगे जहां यरूशलम के नए यरूशलम के बारे में लिखा है, तब देखेगा अमेजिंग बातें हैं, बड़ी अद्भुत बातें हैं। सोने की सड़कें हैं, एक एक फाटक जो है उसका एक एक मोती का फाटक है उसका, और बहुत सी और रहस्यमय बातें हैं वहां पर, मगर अभी नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताएंगे। और ये जो है ये 7 आशीष है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें, और उसको मानना शुरू कर दें, और अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि शायद प्रभु अभी आ जाए या प्रभु कल आ जाए। तो आइए अपने आप को तैयार करते हैं और परमेश्वर की इन 7 आशीषों से परिपूर्ण होते हैं, ताकि प्रभु के राज के वारिस हो सके। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे। आमीन।